तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समझिए कि अलग हटकर है, आज तक ऐसा टॉपिक आप लोग पढ़े नहीं होंगे। जी हाँ, जिसका नाम है अलामतें। अलामत जिस तरह इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में आप यूँ कह सकते हैं चिन्ह, सिंबल को कहा जाता है अलामत। जैसे कि प्लस का ये होता है, माइनस का ये, मल्टीपल का ये, डिवाइड का ये सिंबल, ठीक है। सिंबल को आप यूँ कह सकते हैं कि अलामत। तो उर्दू में भी कुछ अलामतें होते हैं जिनको जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, तभी आप लोगों को कुछ भी अगर किताब में भी या फिर कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है, एंड ये अलामत का हर जगह यूज़ होता है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट समझते हुए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। सही का आप लोग जानते हैं ये अलामत होता है, गलत का ये अलामत होता है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है ना। आगे हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, यहाँ पर उर्दू की बात कर रहे हैं। तो उर्दू में कुछ अलग अलग प्रकार की अलामतें होती हैं, चलिए फटाफट मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर देना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोगों के कॉन्टैक्ट में लोग हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग अलामत पढ़ने वाले हैं ना, स्टार्टिंग करने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करके किसी भी चीज़ की शुरुआत की जाती है, किसी काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह करके करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो अलामत हम लोग पढ़ने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अलामत क्या होता है, आप लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। 786 ये होता है, सिक्स मैं उल्टा लिख दी, दो लिख दी, ये हो गया 786, ठीक है। ये होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अलामत। 786 आप लोग सुने होंगे ना, 786 का मतलब क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अलामत भी है। और अदद एक होता है, मतलब अदद निकाल कर ही ये 786 लाया गया है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बे, सीन, मीम, अलिफ, लाम, तो इसमें हर एक हर्फ का अदद निकाल कर 786 बनाया गया है, ठीक है। तो वो अदद निकालने का क्या तरीका होता है अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ज़रूरी है जानना अलामत, अदद जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी अगर है तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके, अदद भी निकालना मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल यहाँ पर समझते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सिंबल अलामत क्या होता है, 786। उसी तरह मोहम्मद का होता है 92, जी हाँ 92, 92, ये मोहम्मद का। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अलामत होता है वो होता है, देखें कैसे लिखा जाता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल अलामत जो होता है वो ये इस तरह, ध्यान से देख ले इसको, इस तरह से लिखा जाता है। आप लोग जूम कर सकते हैं, अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा ना और धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो इसको आप लोग जूम करके देख लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल जो होता है ना ये होता है, इस तरह लिखा जाता है। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है तो आप लंबा नहीं लिखना चाहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मोहम्मद लिख कर ऊपर ये वाला सिंबल लिख देंगे इस तरह, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल आप लोग ज़रूर देखे होंगे, मोहम्मद के ऊपर इस तरह का सिंबल देखने को मिलता है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिंबल ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल ये क्वेश्चन मार्क आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में इस तरह से होता है, हिंदी में भी इसी तरह दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन उर्दू में सवालिया यानी कि क्वेश्चन मार्क जो होता है ना वो उल्टा होता है। हिंदी में हम लोग इस तरह या फिर इंग्लिश में इस तरह दिया जाता है ना, क्वेश्चन मार्क का सिंबल इस तरह होता है, लेकिन उर्दू में ठीक इसका उल्टा, इस तरह पलट दीजिए। तो उर्दू में जो क्वेश्चन मार्क होता है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख ले, उर्दू में उल्टा होता है, बस इसी को पलट देंगे। तो ये हो गया उर्दू का क्वेश्चन मार्क। उसके बाद से खत्म, देखिए जिस तरह हम लोग किसी भी बात को ले जाकर, देखिए कोई भी बात हम लोग कहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं स्टॉपेज तो होता है, बात को एंड तो करते हैं। अगर मेरे सामने कोई आ गया और पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो, तो मैं बोलूँगी कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद से बात ख़त्म। तो लास्ट में जो फुल स्टॉप दिया जाता है ना, फुल स्टॉप इंग्लिश में तो होता है फुल स्टॉप, मतलब बात, फुल स्टॉप का मतलब क्या, बात ख़त्म, जुमला ख़त्म, मैं पढ़ा रही हूँ, बात ख़त्म। तो आई एम टीचिंग, ठीक है, इंग्लिश में मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग, और उसके बाद से ये हो गया फुल स्टॉप, ठीक है, आई एम टीचिंग, बस इतना ही बोलना था। अगर कोई बंदा मेरे सामने आ जाए और वो पूछे कि तुम अभी क्या कर रही हो, तो मैं अभी क्या जवाब दूँगी उसको, कि मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद से बात ख़त्म हो जाएगा ना। तो आई एम टीचिंग इंग्लिश में बोला जाएगा, और लास्ट में क्या लगा दिया जाएगा, फुल स्टॉप। उसी तरह
उर्दू में अगर कोई बात ख़त्म होती है तो फुल स्टॉप, उर्दू में फुल स्टॉप को, फुल स्टॉप का क्या सिंबल होता है? तो उर्दू में फुल स्टॉप यानी कि बात को ख़त्म करने का जो सिंबल होता है ना, खात्मा का, जुमला अगर ख़त्म हो गया, बात को ख़त्म करना है तो उसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो इस तरह, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस तरह ध्यान से देख ले, इस तरह आप लोग देखे भी होंगे, बहुत उर्दू की किताबों में इस तरह दिया जाता है। एक बार फिर से आप लोग जूम कर देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया फुल स्टॉप का। इंग्लिश में तो फुल स्टॉप इस तरह दे दिया जाता है लेकिन उर्दू में फुल स्टॉप का सिंबल ये है, ठीक है। जैसे कि मैं लिख दी कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, उसके बाद से इस तरह दे देंगे। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बात ख़त्म हो गई, जुमला ख़त्म हो गया, मैं पढ़ा रही हूँ, बात ख़त्म, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बात ख़त्म, ये फुल स्टॉप का सिंबल है उर्दू में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं कॉमा, कॉमा का भी सिंबल आप लोग जानते हैं, कॉमा का जो सिंबल होता है इंग्लिश में या फिर हिंदी में इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह। जैसे कि आप लोगों को लिखना है आम, कॉमा केला, कॉमा अंगूर, लिखना है ना, तो आप यहाँ पर इस तरह से कॉमा का यूज़ कर रहे हैं, इस तरह से कॉमा का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उर्दू में कॉमा इस तरह नहीं दिया जाता है, उर्दू में जो कॉमा होता है ना, इसी को बस आप लोग उल्टा कर दीजिए, मतलब पलट दीजिए। उर्दू का जो कॉमा होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये होता है कॉमा। तो अगर आप लोग उर्दू में लिखना है आम, तो ये हो गया आम, और एक कॉमा देना है उर्दू में तो इस तरह से देंगे, कॉमा केला, तो केला लिख दीजिए, ये हो गया केला, कॉमा अंगूर है तो अंगूर लिख दीजिए, ये हो गया अंगूर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये वाले सिंबल का मतलब क्या होता है? कॉमा, ठीक है। तो कॉमा उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है, मतलब सिंबल आप बोल सकते हैं, सिंबल वो होता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला सिंबल है रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। जैसे कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु लिखना होता है तो हम लोग कभी कभी शॉर्ट कट में लिख देते हैं, तो रज़ियल्लाहु अन्हु का सिंबल जो होता है वो ध्यान में रखिएगा इस तरह से होता है, रे और ज़्वाद जो होता है ना इस तरह सीधा खींच देना है। आप लोग इसको ज़रा जूम कर लीजिएगा, ये है रज़ियल्लाहु अन्हु का सिंबल, ठीक है। यानी कि रज़ियल्लाहु अन्हु ये लंबा नहीं लिखना चाहते हैं लफ्ज़, तो आप इसका सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हज़रत अबू बकर और रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा जाता तो ये थोड़ा जगह घेर लेता, रज़ियल्लाहु अन्हु लिखते तो ज़्यादा जगह हो जाता, तो रज़ियल्लाहु अन्हु लिखने की जगह रज़ियल्लाहु अन्हु का हम लोग सिंबल यहाँ पर यूज़ कर दिए, देख रहे हैं यहाँ पर सिंबल रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सिंबल का मतलब क्या है? रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, यानी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम का सिंबल क्या होता है? ये होता है, इसको आप लोग जूम कर सकते हैं, देख लीजिएगा जूम करके, अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा, और वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा। अलैहिस्सलाम का सिंबल ये है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मूसा लिखने के बाद अगर आप लोग नहीं चाहते हैं इतना लंबा लफ्ज़ लिखना अलैहिस्सलाम, तो अलैहिस्सलाम का सिंबल यूज़ कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर यूज़ किया गया है इस तरह। आप लोग ऐसा सिंबल ना बहुत जगह देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद से है ईसवी, ईसवी तो बहुत ज़्यादा आसान है, ईसवी को ऐन से दिखाया जाता है, छोटा सा ऐन बना दीजिए, एन इस तरह से होता है ना, बस इसी को क्या कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, बड़ा एन भी लिख सकते हैं और छोटा भी एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी एन को छोटा कर दीजिए यहाँ पर, ये हो गया ईसवी। तो देखें 2023 ईसवी लिखना है तो यहाँ पर क्या है, ये एन से क्या पता चल रहा है, ईसवी, ईसवी का सिंबल होता है ये एन, छोटा वाला एन दे देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद से हिजरी, हिजरी का भी सिंबल हे होता है इस तरह, ये होता है हे, सिर्फ हे लिख दिया जाएगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि हिजरी है, जैसे कि 1444 हिजरी, ठीक है, ये हे है, हे का मतलब क्या, हिजरी। उसी तरह सन, सन यानी कि साल, तो सन को नॉर्मली हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, सन इस तरह सिंबल आप बोल सकते हैं, सिंबल इसी तरह होता है सन का इस तरह।
और इसी ये जो सन यानी कि साल है ना इसी के ऊपर लिख दिया जाता है जितना साल मतलब चल रहा है। 2023 अभी चल रहा है तो 2023 तो ये जो सन है ना सन का सिंबल ये है ठीक है सन और ऊपर लिख दिया जाता है 2023 सन 2023 यानी कि कौन सा साल चल रहा है 2023 साल चल रहा है ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सन समझ में आ गया सन का सिंबल ये। उसके बाद से ये देखिए शेर का सिंबल होता है इस तरह आप लोग देखे भी होंगे मतलब किताब वगैरह में शेर लिखा रहता है तो इस तरह दे देता है हवाला लिखने के बाद और इसी तरह दे देता है एक उसी तरह हवाला लिखकर एक इस तरह दे देगा ये वाले सिंबल का मतलब क्या है शेर ठीक है यानी कि शेर लिखा गया है और शेर यहाँ पर एक दे देगा यानी शेर नंबर वन और यहाँ पर एक शेर लिख देगा उसी तरह हवाला और इसी तरह सिंबल दे देगा और दो लिख देगा यानी कि ये जो शेर है दूसरा शेर है पहला शेर लिख देगा दूसरा शेर इसी तरह ये वाला सिंबल का यूज़ करके जितना चाहे आप लोग शेर लिख सकते हैं ठीक है। तो इस वाले सिंबल का मतलब क्या होता है शेर तो इसको ज़रा मैं बड़ा करके लिख देती हूँ देखें ये हो गया आप लोगों का ठीक है आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये होता है शेर का सिंबल ठीक है। तो आई होप यही भी समझ में आ गया होगा शेर का सिंबल होता है। देखिए बाहर से थोड़ी सी नॉइजिंग आ रही है आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा ठीक है यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिए। अल्लाह का जो सिंबल आप बोल सकते हैं अदद निकाल कर बनाया गया है वो है 22 यानी कि 22 ये होता है अल्लाह का सिंबल 22। उसके बाद से तखल्लुस तो आप लोग जानते होंगे तखल्लुस का सिंबल जो होता है ना वो इस तरह से होता है ठीक है इस तरह और भी बड़ा मैं लिख दे रही हूँ ये हो गया आप लोग जूम कर लीजिएगा। अब सिंबल है तो छोटा लिखना ही है तो आप लोग जूम कर सकते हैं एक बार फिर से मैं लिख दे रही हूँ ये हो गया तखल्लुस ठीक है तखल्लुस का सिंबल ये होता है जैसे कि हाली मिर्ज़ा गालिब तो गालिब तखल्लुस होता है। तखल्लुस तो आप लोग जानते होंगे ना शायर जो होते हैं अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में अपना एक ख़ास नाम यूज़ करते हैं उसी ख़ास नाम को कहा जाता है तखल्लुस क्या कहते हैं तखल्लुस कहते हैं। तो गालिब के ऊपर अगर आप लोगों को अगर आपने ध्यान दिया होगा तो गालिब के शेर के अगर लास्ट लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो गालिब तखल्लुस आप लोगों ने देखा होगा और गालिब के ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा इस तरह का सिंबल। हाली का अगर आप लोग शेर पढ़े होंगे हाली तखल्लुस आप लोग देखे होंगे तो हालिस के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाला सिंबल। तो ये वाले सिंबल का मतलब क्या होता है तखल्लुस यानी कि गालिब एक तखल्लुस है। मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस क्या था गालिब हाली का तखल्लुस क्या था मतलब हाली ये क्या है एक तखल्लुस है। तो जितने भी शायर हैं वो अपना एक तखल्लुस रखते हैं ठीक है। तो तखल्लुस का सिंबल क्या है ये ठीक है। उसके बाद से अलामत तारीख का जो अलामत होता है वो ये होता है आप लोग देखे भी होंगे 19 इस तरह दिया जाता है ठीक है। मान लीजिए आज तारीख जब लिखा जाता है ना तो ये वाला सिंबल का यूज़ किया जाता है 19 तारीख उसके बाद से 12वां महीना 2022 तो ये जो 20 में ये चिन्ह दिया जाता है ना ये सिंबल ये किस चीज़ का है अलामत तारीख यानी कि डेट का है दिनांक डेट लिखना है तो इस चीज़ का यूज़ इस सिंबल का यूज़ किया जाता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं हाज़िर तो आसान है ये दोनों उतना मतलब ज़रूरी भी नहीं है ज़रूरी ये था जो मैं आप लोग को बताई ये नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाज़िर का मतलब होता है हाज़िर का सिंबल होता है और गैर हाज़िर का होता है गैन। हाज़िर का मतलब यानी कि आप प्रेजेंट हैं तो ऐसे होता है ना स्कूल या फिर मदरसे में पढ़ाया जाता है तो अगर आप स्कूल आए हैं मदरसा आए हैं हाज़िर हैं तो डायरी मेंटेन हो जाता है आपका क्या बोला जाता है उसको आपका हाज़िरी बन जाता है कि हाँ आप आए हैं ठीक है। तो अगर आप हाज़िर हैं आए हैं प्रेजेंट है तो हे लिखा जाता है और नहीं आए हैं अब्सेंट है गैर हाज़िर है तो गैन लिखा जाता है। और इंग्लिश में अब्सेंट और प्रेजेंट होता है प्रेजेंट है तो पी और अब्सेंट है तो ए आप लोग स्कूल लाइफ में देखे भी होंगे ए और पी लिखा जाता है तो वही बात है। तो उर्दू में हाज़िर अगर आप हैं तो हे और गैर हाज़िर है तो गैन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा छोटा सा टॉपिक है आसान भी है और अलामत को पूरी तरीके से हम लोग समझ गए और यूनिक भी था। आई होप आप लोगों को सीखने को कुछ मिला होगा तो अगर समझ में आया और सीखने को मिला कुछ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कर दें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो
नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उर्दू ग्रामर के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। अब जो भी अगला टॉपिक है उर्दू ग्रामर का वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ही पढ़ाऊंगी, आप लोग टेंशन फ्री रहें। हाँ, अगर एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, अब्सेंट हो जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, पहला वाला वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो देखकर आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। ऐसा तो अभी हो नहीं रहा है, मैं आप लोगों के लिए रेगुलर एफर्ट कर रही हूँ और रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एक दो दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है तो आप लोग इंतज़ार कर लीजिएगा और प्रीवियस वीडियो देखकर आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट इन करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं आज के इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।